ये गुल्लू बात करने पर क्या होता है प्राइमरी साइड होता है एल्विओलाई पर जो होता है कि होता बेटा बात कर एल्विओलाई कहां मिलता है आपको लंग्स में लंग्स की फंक्शनल स्ट्रक्चर में कौन क्या बोलता है एल्विओलाई तो एल्विओलर साइड ये इसको हम गुल्लू बात कर क्या बोलते हैं प्राइमरी साइड ऑफ गैस एक्सचेंज क्या बोलते बेटा बात करें प्राइमरी साइड ऑफ गैस एक्सचेंज प्राइमरी साइड ऑफ गैस ऑफ यदि फॉर गैस एक्सचेंज याद है क्या बेटा बात कर गैस एक्सचेंज एक्सचेंज हां के दोस्त बताओ जल्दी बोलो बात करें टेक प्लेस बिटवीन आरटीआई एंड एफ ये तो टेक प्लेस मेरे को तो चलेगा ना समझ में आ रहा है फालतू चीज की बात कर क्यों लिख रहे हो बिटवीन की बात कर एक तो हम बोल सकते हैं एल्विओलर ईयर एल्विओलर दीदी बात कर ईयर हां के ना एंड दूसरा क्या बेटा बात करें बोलो सोचो पल्मोनरी आर्टरी जिस पर बोल सकते हैं बेटा इंप्योर ब्लड क्या बोल सकते हैं तो एल्विओलर ईयर एंड बेटा बात करें पल्मोनरी आर्टरी इसको अपन पल्मोनरी आर्टरी बोल सकते हैं इसको अपन क्या बोल सकते हैं इंप्योर ब्लड बोल सकते हैं ना बेटा बात कर ये आपको मतलब याद रखना है तो कोई पूछे गैस क्वेश्चन की कितनी जगह पे होता है आपकी बॉडी में दो जगह पर पहला क्या होता है बेटा बात कर एरिगुस ये इसको अपन क्या बोलते हैं प्राइमरी साइट ऑफ गैस सेक्शन हां कि ना दोस्त यहां पे जो गैस है तो किन किन के बीच में होता है बेटा बात कर एल्विओलर ईयर और बेटा बात कर पल्मोनरी आर्टरी को हम बोलते हैं क्या बेटा बात कर जी किसके अकॉर्डिंग होता है बेटा बात कर अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेट अकॉर्डिंग टू बेटा बात कर कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट बाय सिंपल डिफ्यूजन तो बेटा बात कर यही लिख देते हैं अपन बेटा बात कर कि जो गैस का एक्सचेंज होता है इसकी बात कर वो किस मेथड के द्वारा होता है बेटा बात कर बताओ बाय सिंपल डिफ्यूजन ताकि अलग अलग लिखने की जरूरत ना पड़े नहीं समझे दोस्त तो बाय सिंपल डिफ्यूजन दीदी सिंपल डिफ्यूजन को क्या बोलते हैं बेटू बात कर जी सरल मिश्रण सिंपल डिफ्यूजन ये बेटा अपने आप में क्वेश्चन है कि बताओ बेटा बात कर गैस क्वेश्चन किस विधि द्वारा होता है सरल मिश्रण विधि द्वारा होता है बेटू बात कर हां कि ना अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट सांद्रता प्रवणता के अनुसार क्लियर मतलब गैस क्वेश्चन विधि कहां से कहां होगा उसके हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर इतना समझ में आ रहा है कि यार तो उसको अपन बेटा क्या बोलते हैं अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट का मतलब क्या है सांद्रता प्रवणता कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट इसका मतलब जानते हो क्या दोस्त इसका मतलब समझ में आ रहा है कि यार मतलब हाई दीदी बात कर क्या पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर कुछ समझ में आ रहा है कि यार क्या लिखा बेटा बात करो सोचो हाई पार्शियल प्रेशर टू बुढ़े बात कर क्या लो पार्शियल प्रेशर इतना समझ में आ रहा है कि यार तो बोलो बात कर हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर मतलब उच्च आंशिक दाब से निम्न आंशिक दाब की तरफ गैस का क्या होता है बेटा बात कर एक्शन होता है अब बुढ़े बात कर अच्छा दूसरा पॉइंट बोल मतलब इसमें अपन देखो सारी की सारी बातें खोल रहे कि नहीं खोल रहे दोस्त दूसरा हमारे पास बेटा बात कर जो गैस का सेक्शन है
इसको अपन बुढ़े बात करिए कहाँ पर होता है बेटा बात करें बताओ ये टिश्यू लेवल पर होता है कहाँ होता है बात करें जिसको अपन बेटा पहले बोले एल्वियोल साइड दूसरा क्या बोलते हैं बात करें बताओ टिश्यू साइड पर मतलब उत्तरी स्तर पर ठीक है अब यहाँ पे जो होता है बुढ़े बात किसको अपन क्या प्राइमरी साइट ऑफ तो उसको अपन क्या बोलेंगे सेकेंडरी साइट हाँ कि ना सेकेंडरी साइट ऑफ जल्दी बोलो इसको सिस्टम में बात नहीं बोलते कभी भी आरटी जो आती है ना आरटी डिवाइड जो बात कर ब्लड कैपिलरी में और कैपिलरी में बात कर क्या होता है बहुत थिन मतलब किसकी होती है वॉल की होती है आरटी की बुरी बात करके देखा जाए बेटा तो जो वॉल होती है वो क्या होती है बात कर काफी मोटी होती है वॉल कैसे होती है काफी मोटी होती है तो इनमें गैस कैशन नहीं हो पाता है इसलिए आगे चल के गुरु बात की डिवाइड हो जाती है किसमें छोटी छोटी ब्रांच में आगे चल के और डिवाइड हो जाए किसमें गुरु बात करें छोटी छोटी ब्रांच में समझ पा रहे इन पतली पतली बुरी बात करें वो कितनी पतली है तो इनके द्वारा गैस कैशन होता है इनको अपन बुरी बात करें क्या बोलते हैं ब्लड कैपिलरी क्या बोलते हैं तो आर्टरी गुरु बात की डिवाइड होता है आर्टेरियोल में आर्टेरियोल डिवाइड होते बेटे बात ब्लड कैपिलरीज में और ब्लड कैपिलरीज से बेटे गुरु बात करें क्या होता है गैसेस एक्सचेंज होता है क्यों क्योंकि आपको पता है इनकी जो वॉल होती है वॉल कैसे होती है पतली होती है और जहां भी दीदी बात करें आपको गैस का एक्सचेंज करना है बेटा बात का सिंपल डिफ्यूजन के बाद हम क्या चाहते हैं कि बॉल क्या हो कम से कम पतली हो अगर मोटी बॉल होगी तो गैस कैसे आदान प्रदान कर पाएंगे इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा तो बेटा बात कर रहे हैं लाने का काम कौन करेगा आर्टरी ले जाने का काम कौन करेगा वेन पर बेटा बात की जब आर्टरी आती है ना वो लोग जैसे गैस का एक्सचेंज करना पड़ता है बट जाती दो पार्ट में जिसको हम बोलते हैं आर्टरी होल आर्टरी फिर से गुरु बात में बढ़ती है छोटी ब्रांच जिसको हम बोलते हैं बेटा बात कर क्या ब्लड कैपिलरीज क्या बोलते हैं बेटा बात तो हमेशा याद रखना जहां भी गुरु बात कर ब्लड का एक्सचेंज कर रहे हो वहां बेटा बात कर कौन करेगा ब्लड कैपिलरीज करेगी समझ पा रहे आर्टरी को बोलते हैं धमनी सरा को बेटा बोलते हैं हमारे पास क्या आर्टरी को बोलते हैं क्या धमनी सरा को बोलते हैं क्या वेन और बेटा बात करें ब्लड कैपिलरीज को बोलते हैं रक्त वाहिनियां क्या बोलते हैं बेटा क्लियर है तो रक्त वाहिनियों लेवल पर बेटा बात कर गैस एक्सचेंज होता है क्या के लिए ताकि इनकी वॉल कैसे होती है पतली होती है तो बोले बात कर गैस एक्सचेंज टेक प्लेस बिटवीन बेटा बात कर क्या ब्लड कैपिलरीज कैपिलरीज एंड बेटा बात करें क्या टिश्यू आ रहा दोस्त क्लियर तो टिश्यू फ्लूइड के बीच में हुआ था कि नहीं हुआ था दोस्त और अपने पूरी बात करके क्या बोला था कि बेटा बात क्या ब्लड कैपिलरीज टिश्यू पर आई थी याद है प्योर ब्लड को देके गई थी ये ब्लड कैपिलरीज क्या लेके आई थी भैया प्योर ब्लड ब्लड कैपिलरीज बोलो बोलो बात क्या बोल सकते क्या बेटा बात करें प्योर ब्लड आ रहा है नहीं आ रहा तो प्योर ब्लड एंड बेटा बात करें क्या प्योर ब्लड एंड गुरु बात करें टिश्यू फ्लूइड याद आ रहा कुछ वो पिक्चर जब सिस्टमिक बेटा बात आर्टरी लेके आए थे गुरु बात करें एक्सप्लिसिट पूरी बॉडी बनाई थी गुरु ने इनके अंदर सेल थे गुरु याद है इसको अपने टिश्यू फ्लूइड बोला था टिश्यू फ्लूइड के बीच में एक्सचेंज किया था फिर टिश्यू फ्लूइड से गुरु बात कर गैस सेल ले लिया था याद आ रहा कुछ गुरु बात कर रियल में जो बेटा एक्सचेंज चलता है वो ब्लड कैपिलरीज मतलब प्योर ब्लड और टिश्यू फ्लूइड के बीच में चलता है फिर टिश्यू फ्लूइड अपने सेल के बीच में चलता है लेकिन एनसाइड की बात नहीं करती है क्योंकि अगला एक्शन एक बार भी तो है कि टिश्यू फ्लूइड से तो गैस को भी तो मतलब सेल को भी तो करना है तो रियल में दीदी बात कर तीन तीन होते हैं यहाँ पर आपकी बात एनसीआरटी की बात करती ही नहीं है वो टिश्यू को दीदी बात कर सेल का ही पार्ट मानती है क्लियर है दोस्तों क्लियर है तो बुरी बात जबकि रियल में होगा कितनी जगह एक वैल्यू लगे दूसरा बुरी बात कर टिश्यू फ्लूइड ब्लड कैपिलरीज और तीसरा टिश्यू फ्लूइड और आरएफ नियर जबकि बुरी बात कर ये तीनों किसके द्वारा होते हैं अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बाय बेटा बात करके सिंपल डिफ्यूजन आ रही है तो अगर कोई पूछे रियल में तो होता है तीन जगह लेकिन बेटा बात एनसीईआरटी कितनी जगह लिखती है दो जगह तो अपन भी कितनी जगह की बात कर लेंगे कोई जरूरत नहीं है तीन जगह पढ़ने की इतना याद रखना बेटा कि रियल में होता कितनी जगह है तीन जगह होता है बात कर ये तो गुरु बात कर क्या था बेटा ये था गैसियस एक्शन पर गुरु गैसियस एक्शन किसके द्वारा होता है बेटा बात करें बाय रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन किसके द्वारा होता है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन गुरु बात कर जो होती है वो होती क्या है बात कर देखो आपको बताएं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन गुरु बात कर मेनली बनी होती बेटा बात कर तीन मेम्ब्रेन की किसकी बनी होती गुरु बात कर दीदी बात अलग से क्या के लिए लिखे हैं रेस्पिरेटरी और बात कर मेम्ब्रेन है ना yes. आपको बेटा बात कर पढ़ा रहे ये क्या करेगा बेटा बात कर इसी के द्वारा तो होता है गैस सेक्शन तो गैस किसके द्वारा होगा बेटा बात कर बताओ थ्रू रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन अब रेस्पिरेटरी बात कर मेम्ब्रेन कितनी होती है देखो हमारे पास सबसे पहले बोलो बात कर आपने देखा होगा ये क्या है बेटा बात कर बोलो एल्वियोलाई है कि नहीं बोलो बात कर एल्वियोलाई है पक्का दीदी बात कर ठीक है वैसे अच्छी है
कौन है बोलिए कैलकुलाई हां के नाम पे बता अरे बुरे बात कर सांस लोगे भी बुरे बात को गैस रिलीज भी करोगे अरे नहीं है इनहेलेशन एक्सहेलेशन तो यहां क्या भरी है दीदी बात कर अरे कुछ नहीं अरे बुरे बात कर अरे हर वक्त रेजिमेंट में थोड़ी है ये अरे बेटा बात किसके अंदर हां कि ना ये क्या है भाई साहब ये कहां है ऐसा बोलती क्यों नहीं आप लोग अरे बोल रहे क्या एल्वियोलाई की बात कर हां कि ना तो प्राइमरी साइट ऑफ गैस सेक्शन देखो वहां पे इसमें गोलू ने क्या बोला था इसकी जो अंदर की मेम्ब्रेन है ना बेटा बात करें ये गोलू बात कर क्या होती सिंपल स्क्वायर मस इंटीग्रल क्या होती दोस्त सिंपल स्क्वायर मस जो गोलू बात कर रियल में स्क्वायर मस मतलब क्या होता चपटी चपटी सर सरल सल्की उपकला उत्तर सिंपल स्क्वायर मस एपिथेलियल टिश्यू अरे ने दीदी बात कर तो इस तरीके से काफी पतली बनाई गुरु अपन दिख रहा है आपको ये पहली लेवल गुरु बात कर किसकी थी बेटा बात कर एल्वियोलर वॉल एल्वियोलर वॉल एल्वियोलर वॉल गुरु बात कर किसकी बनी बेटा बात कर सिंपल स्क्वायरस एपिथेलियल ये मैं पहले लिखवा चुका हूं आपको सरल सल्की ऊपर आउटर लिखवाया ना मैंने बेटा सिंपल गुरु बात कर स्क्वायरस एपिथेलियल टिश्यू दूसरी बुरी बात कर हमारे पास इसके पास क्या आती है दोस्त इसके पास बुरी बात कर क्या आ रही थी बताओ बेटे बात कर इसके पास आ रही थी ब्लड कैपिलरीज कौन आ रही थी दोस्त क्वेश्चन को समझ में आ रहा है पक्का ये कौन जा रही बताओ बुरी बात कर ब्लड कैपिलरीज ये ब्लड कैपिलरीज दिख रही नहीं दिख रही ये ब्लड लेके आ रही है और ये ब्लड लेके जा रही है हां कि हां तो गुरु बात करें इसकी वॉल भी किसकी बनी होती बेटा बात करें इसकी वॉल में भी बेटा बात करें मतलब जो दीवार है ये ब्लड कैपिलरीज की इसकी वॉल में भी गुरु बात करें क्या मिलता है आपको बेटा सिंपल स्क्वायर मस एपिथेलियल टिश्यू लेकिन गुरु बात करें इसको इधर नाम देते बेटा एंडोथेलियम क्या नाम देते गुरु जबकि है किसकी बनी बेटा बात करें सिंपल स्क्वायर मस एपिथेलियल टिश्यू इतना समझ में आ रहा कुछ ये क्या बना रहा हूं मैं न्यूक्लियस क्योंकि दीदी हर एक सेल का एग्जिस्टेंस तभी जब उसका न्यूक्लियस होता है आपको पता है सेल का कंट्रोल किसके पास जाता है न्यूक्लियस क्योंकि न्यूक्लियस है तो दीदी बात कर सेल अच्छा नीचे की तरफ है कि नहीं ये सेल हां वैसे मैं नहीं बना रहा हूं तो इसका मतलब फिर भी है तो बताओ न्यूक्लियस के अंदर कंट्रोल कौन होता है बेटा बात करें क्रोमोसोम और क्रोमोसोम गुरु किसका बना होता है डीएनए आरएनए हिस्टोन प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन इतना समझ में आ रहा है कि यार बेटा बात करें और गुरु बात करें इन दोनों के बीच में मिलती बेटा बात करें आपको क्या बेसमेंट गुरु बात करें मेम्ब्रेन जिसको एनसीईआरटी लिखते हैं बेसमेंट सब्सटेंस क्या लिखती है गुरु बात करें समझ में आ रही है कि नहीं आ रहा इन दोनों को जोड़ने के लिए गुरु बात करें एक मेम्ब्रेन मिलती है जिसका नाम क्या है बेटा बात करें बेसमेंट गुरु बात करें मेम्ब्रेन और सब्सटेंस तो गुरु बात करें कितनी मेम्ब्रेन होंगी यहां पर तीन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा ये बेटा बात कर फर्स्ट है एल्वियोलर वॉल सिंपल स्क्वायर मस एपिथेलियल की बनी है दूसरा गुरु बात कर कौन सी है अरे जल्दी बोलो बेसमेंट मेम्ब्रेन दूसरी कौन सी भैया बेसमेंट मेम्ब्रेन ये बेसमेंट सब्सटेंस जो सेकंड गुरु बात उसको हम क्या बोलते हैं बेसमेंट बेसमेंट गुरु बात करें क्या सब्सटेंस जिसको अपन क्या बोलेंगे दोस्त मेम्ब्रेन बोलेंगे हम तो है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन ठीक है एनसीईआरटी को लिखना तो जो भी लिखना है तो कितने खुश हो गए तुम तो बेसमेंट बेसमेंट मतलब क्या गुरु बात करें जो दोनों को जोड़ती है आधारी झिल्ली बोलते क्या बोलते मैडम आधारी कला बोलो दीदी बात करें हिंदी में मेम्ब्रेन को क्या बोलते कला तो दीदी बात करें आधारी कला या आधारी झिल्ली तुलसीराम भाई साहब आधारी कला आधारी झिल्ली क्लियर है दोस्त तो ये होगी तीसरा बेटा बात कर रही थी हमारी ब्लड कैपिलरीज क्या थी बेटा बात कर तो ब्लड कैपिलरीज को रही थर्ड मेंबर में आती दोस्त आरी क्लियर है देख रही बेटा तो ये ब्लड कैपिलरीज पूरी बात कर क्या जी बुरे बात कर थर्ड बेटा बात कर मेंब्रेन क्या लिखना है मुझे थर्ड मेंब्रेन इसका नाम क्या है दोस्त बताओ जल्दी बोलो एंडो एंडोथीलियम अरे कितने भूल गए एंडोथीलियम क्या बोलते हैं एंडोथीलियम एंडोथीलियम बेटा बात कर रहे क्या मेम्ब्रेन आ रहा दोस्त नहीं आ रहा बोलो बात कर रहे तो तीन हो गई है कितनी होगी बेटा बात कर रहे फर्स्ट कौन सी थी बेटा बात कर रहे एल्वियोलर वॉल
अरे क्या है सेकंड कौन सी बेटा बात करें बेसमेंट मेम्ब्रेन थर्ड कौन सी बेटा बात करें एंडोथेलियल मेम्ब्रेन और एंडोथेलियल मेम्ब्रेन किसकी बेटा बात करें ऑफ ब्लड कैपिलरीज आर्टरी नहीं वेन नहीं ब्लड कैपिलरीज किसकी बेटा बात करें ऑफ ब्लड कैपिलरीज अरे क्या है आपकी एनसीईआरटी की पिक्चर बनाया दोस्त क्लियर है अगर बात करें इन तीनों को एक साथ कलेक्टिवली ऑल बीटा बात करें आर कलेक्टिवली कॉल्ड या ऑल ऑफ बीटा कलेक्टिव नोन एज बीटा बात करें क्या रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन क्या बोलते हैं तीनों को रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन फर्स्ट इज एल्वियोलर बॉन्ड बीटा बात करें लाइक सिंपल स्क्वामस विदिन द सेकंड इज बेसमेंट मेम्ब्रेन थर्ड इज बीटा बात करें एंडोथेलियम ब्लड कैपिलरीज बीटा बात करें ऑल आर कलेक्टिवली बीटा बात करें नोन एज यदि बोलो क्या बोलते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन क्या बोलेंगे तो यहां तीन की रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में ऊपर लिख देता हूं है ना रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन इनको बोलते हैं समझ में आ रही है किनको बोलते हैं इनको बोलते हैं आ रही है दोस्तों इनको अपन बोलेंगे एक साथ क्या रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन यहां लिखते हैं ना रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन ठीक है ना तो ये बड़े बात के हमारे पास होता है जिनके द्वारा क्या करते हैं अपन गैस एक्सचेंज करते हैं जब ब्लड आया था तो ब्लड कैसे आया था दोस्त जल्दी देखो कैसा इंप्योर आया था कि नहीं आया था आप देखा बड़े बात जो प्राइमरी एक्सचेंज होता है वो बड़े बात के रेगुलर है और बड़े बात के हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा मतलब इंप्योर ब्लड के द्वारा होता है इंप्योर ब्लड के मध्य होता है मतलब पूरी बात का जो ब्लड आया था इसमें याद है O2 का प्रेशर कितना था 45 नहीं 40 और CO2 कितना था 45 तो ऐसे मजाक मत करो जो भी साफ साफ बोलो हो आ रहा है कि नहीं आ रहा है पार्शियल प्रेशर और पूरी बात करो O2 कितना था यहां पे 104 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इतना तो समझ में आ रहा होगा दोस्तों और यहां पे कितना था PO2 40 दीदी बात करो O2 कहां से कहां गया था मैडम बाय सिंपल डिफ्यूजन पहले भी पढ़ चुके आप पूरे बात क्या और आपने देखा था बेटा इसके अंदर PCO2 कितना था दोस्त 45 अरे मजाक क्यों कर रहे हो सच्ची बोलो 45 कितना सही बोल रहे हो आप लोग दीदी बताओ जबकि यहां पे कितना था PCO2 अरे नहीं यार तो बताओ पूरे कहां जा रहा अपन हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन अरे नहीं यार बेटा बात मतलब क्या बोल सकते बेटा बात कर एक ब्लड टू एल्वियोलर और ये किसके द्वारा हो रहा है बेटा बताओ बाय अब तो कम से कम याद हो रहा होगा और कितनी मेहनत करें अपन है अभी भी नहीं याद हो रहा तो फिर कुछ नहीं कर सकते चलो नोट कर लो पत कर क्या बोला है गैस सेकिंग अगर हो रहा है मतलब किसके द्वारा हो रहा है सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा हो रहा है किसके द्वारा सभी बात का जो डिफ्यूजन है वो बात कर किसी भी गैस का वो दो फैक्टर पर डिपेंड करता है कौन कौन सी बेटे बात करें फैक्टर जो किसी गैस की बोलू बात करें किसको बेटे बात करें डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं तो अपन बोल सकते बोलू बात करें टू फैक्टर हाँ कि ना क्या लिख सकते बेटे बात करें टू फैक्टर अफेक्ट हाँ कि ना क्या बताओ बोलू बात करें अफेक्ट डिफ्यूजन ऑफ या रेट ऑफ डिफ्यूजन लिखो द रेट ऑफ बहुत क्या जल्दी रेट ऑफ डिफ्यूजन बताओ ऑफ गैसेस हाँ कि ना गैसेस या गैस दो फैक्टर बोलू बात कर कौन कौन से बेटा बात कर एक तो बोलू बात कर बता थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन अगर बोलू बात की ज्यादा मोटी मेम्ब्रेन होगी तो उसका डिफ्यूजन कम हो पाएगा अगर बेटा जितनी पतली हो बोलू बात को आराम से डिफ्यूजन हो पाएगा तो अपन क्या चाहते हैं बोलू बात के ज्यादा से ज्यादा डिफ्यूजन हो तो मेम्ब्रेन पतली हो कि मोटी पतली होनी चाहिए और इसलिए बोलू अपन क्या बोलते हैं कि हमारी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है ना बेटा बात करें वो एक मिलीमीटर से भी क्या होती है कम होती है समझ में आ रहा है जो क्या बोलू बात करें थिकनेस है वो क्या है बात करें लेस देन देखो लिखा नहीं लिखा इसके बाद जो ईयर लगा इसका मतलब क्या है लेस देन 1 मिलीमीटर मतलब एक मिलीमीटर से भी क्या होनी चाहिए कम होनी चाहिए क्योंकि जितनी कम बेटा बात करें तीनों मेम्ब्रेन होती जाएंगी तीनों को एक साथ बोलते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन अकेले को नहीं बोलते हैं समझ में आ रही है तीनों को एक साथ बोलते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन तो गैस में बेटा दो चीजों पे डिपेंड करती है गुरु बात करें पहला क्या बेटा बात करें पहला है गुरु बात के हमारे पास क्या थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन आ रहा दोस्तों नहीं आ रहा रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन मतलब आधारी यदि बात करें या श्वसनी कला की ठीक है ना मोटाई और दूसरा बेटा बात करें क्या आता है यदि बोलो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस क्या था बेटा बात करें मतलब गैसों की घुलनशीलता सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस आ रही है अच्छा बोलो बात कर कोई पूछे आपसे बेटा बात करें कि दो गैसें जा रही हैं एक तो बोलो बात कर O2 जा रही है कहां जा रही है एल्वियोलाई टू बेटा बात कर कैपिलरी और दूसरे जा रही है बेटा बात कर CO2 कैपिलरी टू एल्वियोलाई तो इन दोनों में ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी होती है CO2 की CO2 की बेटा बात करें सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है और बेटा बात कर हल्की फुल्की नहीं होती है O2 की कंपेयर बेटा बात कर CO2 की सॉल्युबिलिटी बोलो बात कर 20 से 25 गुना ज्यादा होती है
20 टू 25 टाइम्स गुले बात करके क्या होती है, मोर होती है। तो अगर इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है इसका मतलब ये आराम से घुलेगा। तो CO2 की गुले बात कर डिफ्यूजन भी क्या होता है, ज्यादा होता है। सॉल्युबिलिटी और डिफ्यूजन दोनों क्या होता है बेटा, बात कर CO2 का 20 से यदि बात करें 25 गुना ज्यादा होता है कंपेयर टू O2। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अपन बेटा बात करें सीधा पॉइंट लिखेंगे, लिखें दोनों बात करते हैं यहां पर सॉल्युबिलिटी एंड डिफ्यूजन। अरे घुलन सीधा ज्यादा तो डिफ्यूजन भी तो ज्यादा होगा। डिफ्यूजन मतलब जानते मैडम आदान प्रदान है कि नहीं, एक्शन। तो सॉल्युबिलिटी एंड डिफ्यूजन बेटा बात कर ऑफ CO2 जल्दी बोलो क्या बेटा बात करें, जल्दी बोलो कैसा लिखें सॉल्युबिलिटी एंड डिफ्यूजन ऑफ बेटा बात कर CO2 इस बेटा बात करें 22 25 टाइम्स 22 25 टाइम्स आगे दी बात करें मोर देन दैट ऑफ घुलनशीलता है मतलब मेंब्रेन में से निकलने की क्षमता वो बोलो 20 से 25 गुना ज्यादा किसी कंपेयर में होती है। इसका मतलब बोलो सॉल्युबिलिटी ज्यादा तो डिफ्यूजन भी क्या वो ज्यादा होगा, मतलब कौन फास्ट रेट से बेटे बात करें बोलो डिफ्यूज होगी CO2 कंपेयर टू बोले बात करें O2। तो O2 की जो आने की दर कम है CO2 की जाने की दर ज्यादा है। समझ में आ रहा किस वजह से, मेंब्रेन में से रेस्पिरेटरी मेंब्रेन में से। तो गैसों का दीदी बात का जो आदान प्रदान होगा डिफ्यूजन होगा वो दो कारकों पर डिपेंड करता है, एक तो मोटाई कम हो तब आराम से बोले डिफ्यूजन हो पाएगा और दूसरा बोले बात करें ज्यादा सॉल्युबल होगा उसकी क्या होगी आराम से बोले बात कर क्या हो जाएगी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी आराम से डिफ्यूजन हो जाएगा। चलो नोट कर लो ये बस दोनों पॉइंट बताने थे। हो पाएगा नहीं हो पाएगा